एवरीवन, मैं एमजे सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोग सभी लोग मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आउट हो गई है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। जूनियर कनिष्ठ वैकेंसी में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यह नोटिफिकेशन आउट किया गया है और इसमें बच्चों कुल पदों की जो संख्या है वर्तमान में 1262 पद इसमें आउट हुए हैं। जैसे कि लगातार उम्मीद की जा रही थी कि पदों की संख्या 4000 थी पहले, फिर इसकी संख्या कम कर दी गई थी, लगभग ये था कि 3000 आएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने आए हैं, 1262 पद आए हैं। जो संख्या बहुत कम है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, तो पदों की संख्या बहुत कम निकाली गई है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी बढ़िया जॉब है। अगर हम बात करें तो लगभग इसमें 70 विभाग होते हैं जिसमें जॉब मिलती है, जैसे समाज कल्याण में मिल सकती है आपको, पंचायत विभाग में मिल सकती है, है ना, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल सकते हैं। अगर हम इसमें उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष जो अप्लाई की डेट है, कब से फॉर्म चालू हो रहा है, तो बच्चों 21 नवंबर 2022 से ये फॉर्म चालू हो जाएगा और 14 दिसंबर 2022 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो फी रखी गई है वो अभी फिलहाल 25 रुपए है, जैसा कि लेखपाल एग्जाम में हुआ था, ये मेंस का एग्जाम होगा। जो भी बच्चे टीईटी का एग्जाम पास किए हैं 2021 का, वो बच्चे इसको दे सकते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है। हाँ, फॉर्म डालने के बाद इसकी एक कटाप बनेगी, उसी के आधार पर मेंस एग्जाम देने को आपको मिलेगा। एक मेंस एग्जाम होगा, जैसा कि पहले से ही यूपी ट्रिपल एससी ने कह रखा है कि उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा जितने पद होंगे उसका 30 गुना। कितना बच्चों, पहले से उसने कह रखा है कि जितने पद होंगे उससे 30 गुना बच्चे अधिक बुलाए जाएंगे। अगर आप इस हिसाब से देखें तो 1262 आपके पद हैं और 30 गुना उसे बुलाना है, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 18 हासिल है, 6 1 7 3 लगभग 40,000 बच्चों को बुलाएगा। कितने बच्चों को बुलाएगा, 40,000 बच्चों को बुलाएगा। इसी हिसाब से आपकी कट ऑफ तय होगी, आप ये समझ लीजिए। तो जिन बच्चों का पीटी में स्कोर 75 रहा हो, वही बच्चे इसमें जनरल कैटेगरी के आ पाएंगे। 75 से लगभग 78 के बीच वाले बच्चों को मिलेगा मौका। नीचे आने वाली कट ऑफ नहीं है क्योंकि पद बहुत कम है, जिनके अधिक नंबर है उन्हें कोई समस्या नहीं है। जो 75 नंबर है वो अपना डाल सकते हैं, 75 के ऊपर वाले तो कोई दिक्कत नहीं, इनके नीचे वाले बच्चों का शायद नहीं आएगा, तो क्योंकि पद बहुत कम है। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो पीटी में आपका इतना स्कोर होना चाहिए। योग्यता की अगर हम बात करें तो इसमें 12th पास मांगा गया है और ट्रिपल सी मांगा गया है, या इसके समकक्ष जो ट्रिपल सी के समकक्ष 6 महीने का कोई कोर्स हो जो मान्यता प्राप्त हो, वो भी इसके समकक्ष माना जाएगा। अगर हम बच्चों सिलेबस की बात करें कि क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है इसका, तो इसमें 3 टॉपिक आते हैं सिलेबस की अगर हम बात करें तो। इसमें बच्चों हिंदी आती है, हिंदी आएगी बच्चों, जीके आती है और रीजनिंग, 3 टॉपिक से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक बच्चों, किसकी से, हिंदी, जीके और रीजनिंग, यही 3 टॉपिक इसमें लिए जाते हैं। 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, 30 क्वेश्चन बच्चों आपके जीके से पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन बच्चों आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से टोटल कितने मार्क हो गए, 130 क्वेश्चन हो गए टोटल आपके, कितने हो गए, 130 क्वेश्चन हो गए। ठीक है बच्चों, यहाँ गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, जीके में 40 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 60 40 और 130, तो 130 में क्या है, ये क्वेश्चंस की संख्या है, किसकी संख्या है, क्वेश्चंस की संख्या है, और एक जो क्वेश्चन है वो आधे नंबर का है, तो अंक कितने होंगे बच्चों आपके, 65 अंक बनेंगे। कितने अंक बने यहाँ पर, 65 अंक बनेंगे। कितने अंक होगा बच्चों, 65। बाकी अंक कहाँ से आने हैं, अगर हम इसकी बात करें तो 35 अंक बच्चों आपके, 35 अंकों का इसमें आपको अकेडमिक और स्पोर्ट्स से दिया गया है। कहाँ से दिया गया है, अकेडमिक लेवल से, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, और स्पोर्ट कोटे वाले जो बच्चे होंगे उनको दिया जाएगा, तो यानी अकेडमिक मेरिट भी आप जोड़ सकते हैं। जो बच्चे 12th पास ही स्किल्स मिलती है, जो फर्स्ट डिवीजन है उन्हें 20 अंक दिए जाएंगे,
जो सेकंड डिवीजन है उन्हें 15 अंकों का प्रावधान है बच्चों, कितने अंक मिलेंगे उन्हें, उन्हें 15 अंक मिलेंगे, और जो थर्ड डिवीजन है उनके लिए 10 अंकों का प्रावधान है। तो यहाँ से आप बना सकते हैं, जो बच्चे स्नातक हैं ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी यहाँ पर रखा गया है, उनके लिए क्या है, उनके लिए भी 3 कैटेगरी है, फर्स्ट सेकेंड और जो बच्चे थर्ड डिवीजन है। फर्स्ट वाले जो बच्चे होंगे उन्हें 10 नंबर दिया जाएगा, सेकेंड वाले जो होंगे उन्हें 8 मिलेगा, और जो थर्ड डिवीजन होंगे उन्हें 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 20 हाईएस्ट मार्किंग है और 10 यहाँ पर हाईएस्ट मार्किंग है, तो कितने हो गए 30, 5 बच रहे हैं, क्योंकि अंक कितने आने हैं, पेपर कितने का होगा, 65 अंकों का होगा। 5 अंक कहाँ से मिल रहे हैं, स्पोर्ट्स से, इसको भी समझ लीजिए, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर के उन्हें 5 अंक, जो नेशनल स्तर के बच्चों खिलाड़ी होंगे उन्हें 4 अंक, जो स्टेट लेवल के विश्वविद्यालय स्तर के होंगे उन्हें 3 अंक, और जो बच्चों विद्यालय लेवल के खिलाड़ी हैं उन्हें 2 अंक। तो इस तरह से हाईएस्ट मार्क 5 ये हो गए, 10 ये हो गए, 20 ये हो गए, तो 35 अंक आपको ऐसे मिल जाएंगे, और इस तरह से पूरा कितना हो जाएगा, 100 नंबर का, ये 100 अंकों का हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और बच्चों दी गई है, इतने से काम नहीं बनेगा, एक चीज जो है उसको भी आप देख लीजिए क्या होने वाला है, इसमें टाइपिंग मांगी जाती है बच्चों, क्या मांगा गया है, टाइपिंग होगी आपकी, तो उसको भी देख लीजिए क्या टाइपिंग रहने वाली है। टाइपिंग में बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों इसमें की गई, आपको जो टाइपिंग करनी है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रश्न है, आपको हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश में बच्चों 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। अगर हिंदी की बात करें तो आप चाहें तो पृथ्वी में कर सकते हैं और चाहें तो मंगल में कर सकते हैं, दोनों फॉर्म में कर सकते हैं। हाँ, ये क्वालिफाइंग नेचर का है और दोनों में पास होना अनिवार्य है, कोई ये ना सोचे कि दोनों में से, दोनों पास करना अनिवार्य है और इसके लिए कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका नेचर क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का ये होने वाला है। तो ये इसका सिलेबस है, ये इसका टाइपिंग होगी, इस तरह से इस वैकेंसी को किया जाएगा। 2019 में वाली का रिजल्ट अभी आया है, सारे बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, तो आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो UP 80 की तरीके ने ये नोटिफिकेशन आउट किया है, तो आप इसको भरे, जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और अच्छे नंबरों से अच्छी तरीके से टाइपिंग करें। जो बच्चे टाइपिंग नहीं किए हैं वो अभी शुरू कर सकते हैं, 3 महीने में आप टाइपिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।